उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बदमाश ने आईपीएस अधिकारी को ही परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे डाली। बदमाश ने इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के सरकारी सीयूजी फोन नंबर पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने हत्या की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोप है कि इस दौरान बदमाश ने 10 लाख रुपए न देने पर एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा और उनके परिवार को जलाकर मारने की धमकी दी है। आपको बता दें, बीते 27 फरवरी 2023 को एसपी हापुड़ के कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर कॉल आई। ये कॉल वहां तैनात हेड कांस्टेबल अनुज कुमार ने उठाई। मिली जानकारी के मुताबिक फोन रिसीव करते ही बदमाश ने अपना नाम रोहित सक्सेना बताया है। फोन पर बदमाश ने बदतमीजी से बोलते हुए हेड कांस्टेबल से कहा कि अपने कप्तान से बात कराओ। बताया जा रहा है कि जब हेड कांस्टेबल ने उसको बदतमीजी से बोलने के लिए रोका तो बदमाश एसपी हापुड़ का नाम लेकर गाली गलौज करने लगा। इसके बाद बदमाश ने कहा कि अपने एसपी अभिषेक वर्मा से कह देना कि मुझे 10 लाख रुपए बरेली भिजवा दें, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसे व उसके परिवार को जिंदा जलाकर मार दूंगा। उसी दिन शाम को एसपी अभिषेक वर्मा के सीयूजी नंबर पर भी फोन आया और इसी तरह की धमकी दी गई। आरोप है कि इस घटना के कुछ ही घंटे बाद बदमाश रोहित सक्सेना द्वारा हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के नाम से एक आपत्तिजनक व अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए फर्जी फेसबुक पेज बनाया गया, जिसकी डीपी पर महिला सब इंस्पेक्टर का फोटो लगाया गया और प्रोफाइल कवर पर एसपी हापुड़ का फोटो लगाया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेड कांस्टेबल अनुज हापुड़ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस मामले में हापुड़ एसपी मुकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश रोहित सक्सेना जनपद बरेली के इज्जल नगर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 5 केस दर्ज हैं। इससे पहले हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा बरेली में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने इस हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई से गुस्सा होकर बदमाश ने यह हरकत की है। इसके खिलाफ अब हापुड़ में भी केस दर्ज किया गया है। बदमाश को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर के एक हिस्ट्री शीटर रोहित सक्सेना के द्वारा पुलिस अधीक्षक हापुड़ के सरकारी नंबर पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा रंगदारी मांगी गई और न देने पर फर्जी पोस्ट करके बदनाम कर परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। कि एसपी हापुड़ श्री अभिषेक वर्मा द्वारा तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक बरेली के पद पर कार्य करते हुए उक्त एचएस के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर इस एचएस के द्वारा यह आपराधिक कृत्य किया गया है। उक्त एचएस पर रंगदारी मांगने, बलात्कार करने, धमकी देने तथा आईटी एक्ट से संबंधित लगभग 8 मुकदमे जनपद रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पंजीकृत हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना पागबड़ा में भी उपरोक्त अपराध से संबंधित ही एक अपराध, जो कि अभियुक्त के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किया गया था, पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।